हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सचिन नोट्स का दोस्तों 2023 का PYQ करने जा रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। ये साथियों जो सेट रहने वाला है, ये सेट दोस्तों आपका सेट नंबर 3 है दोस्तों। तो भाई वन पेपर वन का सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, 1 और 2 दोस्तों, क्योंकि इस प्रत्येक सेट में आपका 100 क्वेश्चन को करवाया जा रहा है दोस्तों। इसलिए आप सभी का जिनका 200 क्वेश्चन पढ़ने के लिए छूट गया है वो जरूर एक बार भी देखिए, लेकिन देख लीजिए दोस्तों, एक बार भी अपने निगाहों से गुजार लीजिएगा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बहुत हेल्प होगा दोस्तों एग्जाम में, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र दोस्तों पेपर 1 के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे, और वीडियो देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर भी किया कीजिएगा, क्योंकि आप ही सबके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस पर दोस्तों सीटेट का लगभग हर एक टॉपिक से वीडियो डाला जाएगा दोस्तों, अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तब आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा दोस्तों। जिन भाई बहन को PDF चाहिए वो PDF भी ले सकते हैं दोस्तों, आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरा हाई लिख के भेजिए, हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। ये नंबर है दोस्तों, ये नंबर पे आप लोग भेजिए, आज लिख के भेजिए, हम आपको PDF भी उपलब्ध करा देंगे साथ में दोस्तों। जो भाई बहन वीडियो को देखते हैं वो पूरा वीडियो देखा कीजिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो देखिए मत काटा कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके फायदा के लिए ही ये वीडियो है दोस्तों। जुलाई में एग्जाम है दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए दोस्तों। तो देखिए CDP का आपका पूरा कंप्लीट थ्योरी पार्ट करा दिया गया दोस्तों, CDP का पेपर 1 और पेपर 2 का दोस्तों पूरा पार्ट आपको थ्योरी का करा दिया गया, 3 पार्ट में आपका थ्योरी का थ्योरी दिया गया दोस्तों। और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आंसर है धीरे धीरे हम उसको भी करवा रहे हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखिए जरूर दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर भी किया कीजिए वीडियो दोस्तों, जिससे अपना चैनल भी थोड़ा विकसित होने में हमारी सहायता कीजिए, जिससे कि और इसमें बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बढ़िया से बढ़िया नोट्स को ला के पढ़ाया जाए दोस्तों, आपका BPSC का भी तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों, BPSC टीचर का दोस्तों, अच्छा कंटेंट के साथ दोस्तों, NCERT पैटर्न पे दोस्तों। जी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्या बोला गया, प्रतिभाशाली बच्चे की एक प्रमुख विशेषता है दोस्तों, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता दोस्तों, मतलब प्रतिभाशाली दोस्तों गॉड गिफ्टेड होते हैं दोस्तों, उनका IQ लेवल दोस्तों 140 प्लस का होता है, इसलिए वो उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता रखते हैं। फिर रचनात्मक में कमी नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है, निगेटिव है। संप्रेषण कौशल बाधित होगा, ये भी गलत है दोस्तों। और दूसरों के विचारों को नकल करना, नकल तो करने के लिए कभी बोला ही नहीं जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभिनंदन, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंधित एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए दोस्तों। क्या बोला गया, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। सही बात है दोस्तों, सीखना एक निष्क्रिय दोस्तों, देखिए पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है दोस्तों, आपका ये गलत है, निगेटिव वर्ड है दोस्तों, इसलिए आपका आर गलत है, ये सही है दोस्तों, आपका ये सही है और आर गलत है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 देखिए। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या होता है दोस्तों, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम दोस्तों, आपका ये निगेटिव है दोस्तों, और सक्षम नहीं होता दोस्तों, सक्षम होता है निर्माण और विवेचना करने में, दोनों में सक्षम होता है दोस्तों, आपका देखिए पॉजिटिव सेकंड में, विवेचना करने में सक्षम का निर्माण ये भी अक्षम, ये भी गलत है दोस्तों, ना तो निर्माण ना तो विवेचना दोस्तों, तो ये भी गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों, तो बाल केंद्रित क्या बोला गया है, फिर से देखिए एक बार, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, बाल केंद्रित दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से अधिगम
दशा निर्देशों, अधिगम दशा निर्देशों के लिए कौन सा सर्वाधिक अभी कल्प का हिस्सा नहीं है दोस्तों, निगेटिव खोजना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सामग्रीता और बहुविध साधन है दोस्तों आपका पॉजिटिव है। भेदभाव बहुत तरीके, ये आपका निगेटिव। भेदभाव कभी भी नहीं बोला जाता है सिद्धिपिंग दोस्तों, बच्चे में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपका निगेटिव है, इसलिए निगेटिव का आंसर निगेटिव जाएगा दोस्तों। प्रतिनिधि बहुविधि ये होगा दोस्तों पॉजिटिव है। अभिव्यक्ति और बहुविधि तरीके से ये भी होगा दोस्तों पॉजिटिव है, क्योंकि क्लास में दोस्तों हर एक वर्ग के बच्चे आते हैं हर भाषा के। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों, तो अनुरूप चिंतन के द्वारा। किसके द्वारा? अनुरूप चिंतन के द्वारा दोस्तों। आपका एनालॉजिक थिंकिंग दोस्तों, अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? एनालॉजिक थिंकिंग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चे में अपने परिवेश की समझ बनाने के लिए सहज सिद्धांत मौजूद होता है। फिर से देखिए, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के लिए बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। सही बात है दोस्तों। इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए दोस्तों। गलत है ये, आपका ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है इसमें दोस्तों। तार्किक नहीं है, तार्किक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? भावनाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, नेगेटिव खोजना दोस्तों। देखिए, भावनाएं कौशल को परक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करता है, ये आपका पॉजिटिव है दोस्तों, करता है। भावनात्मक विकास संपरिवेशीय कारकों से प्रभावित है, ये भी सही बात है दोस्तों। भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आसपास एक दूसरे के स्वतंत्र दोस्तों, नहीं दोस्तों एक दूसरे के स्वतंत्र नहीं, ये गलत है दोस्तों, नेगेटिव है। भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा से प्रभावित है, ये भी पॉजिटिव है दोस्तों, ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, निगेटिव पूछा है दोस्तों। तो जिज्ञासा तो है, अस्पष्टता के लिए चाहती भी है, रुचि भी है आपका दोस्तों, लेकिन पुरस्कार के लिए प्रयास करना ये आपका नहीं है दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब दोस्तों विषय वस्तु से वास्तविक जीवन अनुभवों के साथ जोड़ा जाए दोस्तों, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ा जाए दोस्तों अनुभव के साथ। बात सही है दोस्तों, सही बात है, ये आपका एक ही सही है। देखिए जो निगेटिव है उसको देखते हैं। पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त नहीं होता और जटिल भी नहीं होता दोस्तों, ये आपका गलत है। विषय वस्तु को असंबद्ध नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये गलत है। टुकड़ों में पढ़ाया जा सकता है लेकिन असंबद्ध नहीं किया जा सकता है। पूर्व ज्ञान में संबद्धता स्थापित ना किया जाए तो संबद्धता किया जाता है तो ना नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अनुकूल संवर्धित सीखने का वातावरण बनने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों, एकदम सही है दोस्तों। अनुकूल सीखने मतलब एक अनुकूल सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। देखिए, विद्यार्थियों को बेहद कम अपेक्षा रखनी चाहिए दोस्तों, गलत है दोस्तों। महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को कोई सहायता नहीं देना चाहिए दोस्तों, सहायता देनी चाहिए दोस्तों, मतलब स्वतंत्रता देनी चाहिए दोस्तों, नहीं देने की बात नहीं करता है दोस्तों CDP। चलिए हम लोग, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगा दोस्तों? तो देखिए, कल्पनाशील उत्तरों की स्वीकारना दोस्तों आपका सही है, अभी सारे चिंतन को बल देगा, ये भी सही है दोस्तों। बल नहीं देगा दोस्तों, ये गलत है, अभी सारे चिंतन को बल नहीं देगा, विचार और मंथन में बल देगा, ये सही है दोस्तों। असहमति प्रति संवेदनशील दोस्तों, ये भी आपका सही है, यानी आपका एक और दो और चार दोस्तों, यहाँ जो अभिसारे चिंतन पर बल देना जो दिया दोस्तों, यही आपका गलत है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है दोस्तों। चलिए चुनते हैं हम लोग। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90 से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने की वादा किया दोस्तों, ये गलत है। आंतरिक अभिप्रेरणा को ढूंढना दोस्तों। रोमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे, ये भी गलत है। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड में अपना नाम ऊपर ला रही है, ये भी गलत है दोस्तों। देखिए, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत पर तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना है, उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित
करने की स्वतंत्रता डाइस को बढ़ावा देने की एक विधि है दोस्तों। तो अन्वेषण अधिगम है क्या दोस्तों, डिस्कवरी लर्निंग है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास एक डाइस है दोस्तों, विकास एक क्या है, विकास एक आयामी है दोस्तों। विकास क्या है दोस्तों, विकास डाइस है, विकास में बदलाव किया जा सकता है दोस्तों। सही बात है दोस्तों, विकास में आपका बदलाव किया जा सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन प्याजे के सिद्धांत में वर्तमान अस्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने और समर्थता के कारण नए अस्कीमा की रचना क्या कहलाती है दोस्तों, आपका समायोजन कहलाता है दोस्तों, एकोमोडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एकोमोडेशन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास है दोस्तों, विकास क्या, एक कर्मी प्रक्रिया, विकास कैसी प्रक्रिया, कर्मी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वास्तविक कारक है दोस्तों, तो विद्यालय। वास्तविक कारक कौन है, विद्यालय। कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वास्तविक कारक, वातावरणीय कारक है दोस्तों, तो विद्यालय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है दोस्तों, ये आपका परिवार है। कौन है दोस्तों, परिवार। क्या बोला, बहुत छोटे बच्चों के बीच निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है दोस्तों, तो परिवार आपका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण को अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है दोस्तों, ये आपका संवेदी गामक होगा दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए हम लोग, क्या बोला, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है, तो संवेदी गामक दोस्तों ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष का दोस्तों। अपूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 6 वर्ष का, और मुक्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का दोस्तों, और औपचारिक होता है 11+ से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन प्याजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये समायोजन कहलाती है दोस्तों, यानी एकोमोडेशन दोस्तों। क्या बोला गया, फिर से एक बार देख लिया जाए। जिन प्याजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा बदलाव प्रक्रिया क्या कहलाती है, एकोमोडेशन दोस्तों, समायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समायोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में संपर्कित निम्न में से किसने प्रतिपादित किया दोस्तों, तो लेव वाइगोत्स्की ने किया दोस्तों। मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र संपर्कित निम्न में किसने प्रस्तावित किया, तो लेव वाइगोत्स्की ने। कौन किया, लेव वाइगोत्स्की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को डैश से डैश बदलाव के रूप में परिकल्पित किया दोस्तों। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं और अनुग्रहित क्रियाओं का दोस्तों क्या किया है, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं और अनुग्रहित की प्रक्रियाओं का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्कना की व्याख्या करते हुए डैश चरणों में विभाजित किया दोस्तों, तो आपका 6 चरणों में विभाजित, तो कितने में, 6 चरणों दोस्तों। और स्तर आपका इसका कितना है दोस्तों, स्तर आपका 3 है दोस्तों, लेवल आपका लेवल 6 है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रचना संरचनावादी उपागम, संरचनावादी उपागम के अनुसार उनमें से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए दोस्तों, संरचनावादी उपागम के अनुसार उनमें से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए, तो कंठस्थ असमान दोस्तों। क्या नहीं बढ़ाना चाहिए, कंठस्थ असमान आपका निगेटिव है दोस्तों। समस्या समाधान करवाना चाहिए, निर्देशित खोज होना चाहिए, सहयोगी अनुमान ये भी होना चाहिए दोस्तों, लेकिन कंठस्थ असमान नहीं होना चाहिए दोस्तों। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने के एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है दोस्तों। क्या होता है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने के लिए एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जिन प्याजे का मानना है कि डैश और डैश को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि डैश को निर्देशित करता है दोस्तों। क्या होगा, संज्ञान दोस्तों, और भाषा होगा, भाषा और विचार होगा दोस्तों, आपका 1 नंबर सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होगा, इस किसका उदाहरण है दोस्तों, जेंडर पूर्वाग्रह दोस्तों। फिर से देखिए, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना, इसका उदाहरण होता है जेंडर पूर्वाग्रह का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, एकदम 100% सही है दोस्तों। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थी को सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए जो गलत है उसको देखते हैं।
पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को सीखने की गति को अनदेखा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये गलत है। केवल देखते ही आप काट दीजिए। विद्यार्थियों को सीखने की गति व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखी, देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखी नहीं करना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षिका को चाहिए कि वह सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन कराए, गलत है दोस्तों। सत्र के अंत में नहीं होगा, केवल मानकीकृत ये भी गलत है। चल रही गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करें दोस्तों, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पूछना दोस्तों सवाल, जिससे कि पता चले कि स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, कहाँ पर गलती हो रही है, क्या हमको परिवर्तन लाना है दोस्तों, ये आपका थर्ड सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है दोस्तों, पूछा है बाधा दोस्तों, ये निगेटिव हो गया। देखिए खोजते हम लोग अनुरूपों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों, ये होगा पॉजिटिव। खुले अंत वाले प्रश्न पूछने ये भी होगा क्योंकि पॉजिटिव है। गहन चिंतन के लिए समस्या प्रदान करना ये भी होगा क्योंकि रटकर याद करना ये निगेटिव है दोस्तों, बाधा पहुँचाएगा। और कंठस्थीकरण ये कभी नहीं किया जाएगा दोस्तों, आपका चार सही गलत है दोस्तों। हम लोग गलत बाधा में गलत खोज रहा था दोस्तों, इसलिए गलत का गलत होगा दोस्तों। निम्न में से किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया दोस्तों, ये आपके थे हार्वर्ड गार्डनर दोस्तों। कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर। किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? हार्वर्ड गार्डनर थे दोस्तों। कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक छात्रों की क्या भूमिका होती है दोस्तों? देखिए कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी के दोनों निष्क्रिय नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। देखते के साथ जहाँ निष्क्रिय देखिए वहाँ देखते के साथ आप लोग काटिए। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होंगे दोस्तों, एकदम 110% सही है दोस्तों। ये भी देखिए निष्क्रिय दिया, ये भी गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है दोस्तों? व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण सही बात है दोस्तों, व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके सहयोगात्मक अधिगम करके दोस्तों, लेकिन प्रतिस्पर्धा कभी भी बच्चे में नहीं करना दोस्तों, मानकीकृत भी कभी नहीं करना है दोस्तों, ये भी गलत है आपका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होता है दोस्तों? बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धूल कपड़े को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र एक पेड़ पर चढ़ने के अनुभव दोस्तों, स्मृति पर बोल रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ अवधि स्मृति दोस्तों। क्या होगा? दीर्घ अवधि स्मृति दोस्तों। फिर से देखिए क्या बोल रहा है। ये जानकारी किस स्मृति में संगठित होती है, मतलब दोस्तों इस इतना सब चीज़ के बारे में आप किस लेवल में जाके सोचने के समझने की शक्ति होगा दोस्तों। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धूल कपड़े की तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव दोस्तों, तो ये दीर्घ अवधि स्मृति हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करता है दोस्तों? विद्यालय की पाठ्यचर्या के विषय वस्तु में कटौती करना है दोस्तों। कटौती करने के लिए नहीं बताता दोस्तों, ये लचीला के लिए बताता है, लेकिन आपका ये सही है दोस्तों। विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलेपन में वृद्धि, ये भी सही है आपका। रटन अधिगम नहीं करता है दोस्तों, ये गलत है। विवेचना चिंतन को महत्व देता है दोस्तों, चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों, 1, 2, 4 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध बना रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है दोस्तों? मानकीकृत देखते के साथ आप लोग काटिए। उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी नहीं देखना है दोस्तों। पारस्परिकता के बोध का विकास करने और विद्यालय संस्कृति को सुमंद करना दोस्तों, आपका ये सही 100% दोस्तों। केवल देखते ही आप इसको भी काटिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके अस्पष्ट संकेत हैं दोस्तों? फिर से देखिए, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्य में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, ये सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं दोस्तों? अधिगम और क्षमता दोस्तों, मतलब सीखने में अक्षमता दोस्तों, आप सही से नहीं सीख पाए, तब तो इस तरह कर रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक बाधक बन सकता है दोस्तों, मतलब निगेटिव खोजना। इलेक्ट्रॉनिक रूप से रूपित व्याख्यान टिप्पणियाँ नोट देना दोस्तों, ये आपका नोट देना यह हो सकता है दोस्तों। रिकॉर्ड किए गए सर्वन व्याख्यान, ये भी आपका हो सकता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। चित्रात्मक सामग्रियों को स्पर्शनीय प्रतिमान मोड़ो दोस्तों, स्पर्श मतलब छू के उसे अनुभव कर लेते हैं, देखिए स्पर्शनीय दिया है।
ये भी पॉजिटिव है, ये भी हो सकता है, लेकिन लिखित विवरण और आरेख ये नहीं हो सकता दोस्तों। लिखित विवरण और आरेख मतलब देख नहीं सकता है दोस्तों। स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशेष रूप से किस व्यवहार को प्रसिद्ध करता है दोस्तों? ये करता है उत्कृष्ट। स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशेष रूप से किस व्यवहार को प्रसिद्ध करता है दोस्तों? उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, अतिक्रियाशीलता, फिर देखिए आपका पुनरावृत्ति आचरण व्यवहार दोस्तों, पुनरावृत्ति आचरण व्यवहार आपका यही सही होगा दोस्तों। फिर देखिए सामाजिक अंतक्रिया का उत्साह, ये भी नहीं होगा दोस्तों। क्या बोला है? स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशेष किस व्यवहार को प्रदर्शित करता है? तो पुनरावृत्ति दोस्तों आचरण व्यवहार में करता है दोस्तों, क्योंकि ये रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है पुनरावृत्ति। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, गलत है दोस्तों। प्रतिभाशाली जो गॉड गिफ्टेड रहेगा दोस्तों वो तुरंत सीखेंगे, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है दोस्तों। आपका ये सही है 100% दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा सीखी जाती है। देखिए निष्क्रिय नहीं होता दोस्तों, ये आपका यहाँ पे गलत निगेटिव है दोस्तों, इसलिए ये सही है और आर आपका गलत है दोस्तों, दोनों गलत है इसमें दोस्तों, आपका दोनों गलत दिया गया दोस्तों। क्योंकि देखिए प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान नहीं दिया जाता दोस्तों, व्याख्यान ही यहाँ पे गलत है, बाल केंद्रित प्रमुख होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आपका दोनों गलत है दोस्तों, ये और आर दोनों गलत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क को डैश है, इसलिए विद्यालय को डैश अधिगम पर जोर देना चाहिए दोस्तों। आपका सक्षम है, मस्तिष्क सक्षम है और रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए दोस्तों। क्या बोलेगा? वास्तविक दुनिया के संदर्भ में सीखने के लिए मस्तिष्क को सक्षम है, इसलिए विद्यालय को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक किसका समर्थन करता है दोस्तों? शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान को स्वीकृत नहीं करेगा दोस्तों, ज्ञान को सृजन करेगा, शिक्षा द्वारा नए ज्ञान का सृजन करना दोस्तों आपका एक होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सही शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण दोस्तों। क्या बोलेगा? कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो संलग्नता तो शामिल करना, क्या होगा? संलग्नता शामिल करने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्यों को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है संसाधन अंतर विश्लेषण। क्या कहलाता है? संसाधन का अंतर विश्लेषण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कथन है दोस्तों, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यालय की सहज यानी नायाब सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ना चाहिए। दोनों सही है दोस्तों। विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों का एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा होती है और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती है दोस्तों। ये और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों, एक है दोस्तों आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कथन यह है दोस्तों, विद्यालयों की ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री को पुनरुत्पादन पर जोर ना दे दोस्तों। सही बात है दोस्तों, संवेग और संज्ञान एक दूसरे के पृथक हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों, पृथक नहीं है, आर गलत है आपका, ये पृथक नहीं है, एक है दोस्तों, ये सही है लेकिन आर आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण दोस्तों? नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना गलत है दोस्तों। अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना ये भी गलत है दोस्तों। आपको प्रथम स्थान आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता ये भी भागना ये भी गलत है। जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना दोस्तों आपका ये सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है दोस्तों? कक्षा के परिवेश करता है और दोस्तों संसाधनों की उपलब्धता करता है, शिक्षकों की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ करता है, विद्यार्थियों की तत्परता का स्तर करता है दोस्तों आपका एक दो और चार है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण की किसकी आवश्यकता है दोस्तों? वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? तो अधिक से अधिक जोखिम दोस्तों, विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होना दोस्तों। क्या होगा? व्यवधान का न्यूनतम होना होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भवन देखते हैं। बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होते हैं दोस्तों। विकास जो है शरीर के
केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है दोस्तों। तो हम लोग आगे देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिससे संकल्पों और प्रगति जटिलता सरलता की ओर, जटिलता तो नहीं होगा, जटिल सरलता की ओर ना, सरल से जटिल की हो जाएगा। जो आप सारे चिंतनों को प्राथमिकता ये भी नहीं होगा दोस्तों, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने में महत्व दे दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मुक्त संक्रियात्मक अवस्था यानी चरण के समरूप है दोस्तों? ये आपका 7 से 11 साल हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसे संवेदी गामक कहते हैं दोस्तों, इसे आपका इसे कहते हैं दोस्तों मध्य मतलब उत्तर बीच वाला दोस्तों, उत्तम परंपरारी पर इसका नाम है बुनकर दोस्तों, इसे एडोलेसेंस कहते हैं दोस्तों, अमूर्त क्रिया इसे कहते हैं, इसका नाम आगे याद आएगा दोस्तों तो हम बता देंगे। चलिए भाषा एवं विचार पर ले आए दोस्तों की क्या सुझाते हैं दोस्तों, भाषा संज्ञानात्मक होता है, भाषा कैसा होता है, संज्ञानात्मक विकास है को निर्देशित करता है, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। चलिए हम लोग आगे जाते हैं, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया दोस्तों? तो सम्मिलित समावेशी शिक्षा दोस्तों, क्या किया गया, समावेशी शिक्षा दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन दोस्तों, एजुकेशन दोस्तों। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया, समावेशी शिक्षा दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है दोस्तों? विकास शीर्ष पैर की तरह होती है दोस्तों, शीर्ष पैर की दोस्तों, शीर्षगामी सिद्धांत है दोस्तों, इसे अंग्रेजी में भी थोड़ा जान लीजिए दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टोम दोस्तों, अब प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू आउट वर्ड दोस्तों, इसे बोलते हैं मतलब केंद्र से बाहर की जाता है, उसे हम लोग शीर्षगामी दोस्तों, सिर से पैर की ओर होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है दोस्तों? जैविक परिपक्वता दोस्तों, कौन करता है, जैविक परिपक्वता दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है दोस्तों? तो परिवार आपका सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मुख्य संक्रियाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होगा दोस्तों? तो आप सभी जान रहे होंगे आपका मुक्त संक्रियात्मक अवस्था होगा दोस्तों। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं तो यहाँ आ गया, देखिए 2 से 7 वर्ष को क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, वहाँ पूछा गया था मुक्त दोस्तों, तो ये 7 से 11 वर्ष के बच्चे में होते हैं, और संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष के बच्चे में होते हैं, और औपचारिक संक्रियात्मक ये दोस्तों ये आपका ये दूसरा चीज़ है दोस्तों, एब्जॉर्बेंस फॉर्मल ऑपरेशनल है दोस्तों, यानी ये आपका होता है 11+, इसे हम लोग अमूर्त कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिन प्याजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों के संयोजन व्यवस्थीकरण पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थित स्थिरीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो संगठन कहलाता है, क्या कहलाता है, संगठन दोस्तों, इसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दैस चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक उपकरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों, लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने का प्राथमिक चरण बताती है, ताकि वे दी गई समस्या को समाधान में को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाता है उसे, स्केप होल्डिंग यानी पार कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केप होल्डिंग पार। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के संबंधित किस विषय की जाँच की दोस्तों? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बीच विकास प्रशंसा और संवेग का नहीं किया दोस्तों, ये गलत है, शारीरिक विकास को प्रभावित करना ये भी गलत है, नैतिक तर्क की विकास किया किया था, नैतिक तर्क का विकास के बारे में बच्चों और वयस्कों के बीच से संबंधित विषय पर जांच की थी दोस्तों। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों? ये ज्ञान निर्माण हुआ, क्या हुआ साथियों, ज्ञान निर्माण, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में से किस पहलू पर बढ़ावा देना चाहिए, ज्ञान निर्माण है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बुद्धि की समकालीन संपत्तियों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की
बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे अक्सर डाइस होते हैं दोस्तों। वे अक्सर क्या होते हैं, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रह होते हैं। क्या होते हैं, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा और विचार देखिए दोस्तों, भाषा और विचार क्या हो सकता है, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करके करते हैं दोस्तों। भाषा जो है कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं दोस्तों, आपका ये सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लगभग इस उम्र में, उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है दोस्तों। 4 वर्ष के उम्र दोस्तों जो उन्हें पता चल जाता है जेंडर भूमिका के बारे में, लगभग पता चल समझ में आ जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शिक्षा में समायोजन, शिक्षा में समावेशन, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे दोस्तों। क्या होता है, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करनी चाहिए दोस्तों। मूल्यांकन का एक नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में कार्य करे दोस्तों, मूल्यांकन का एक नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में कार्य करे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है दोस्तों, बढ़ाने में मददगार है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों, हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण की काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिणति अभिमुखी अधिगम व अधिगम को समझने पर जोर दें। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा तक वातावरण किस तरह का होना चाहिए दोस्तों, तो ये सकारात्मक और सहयोगात्मक होना चाहिए। किस तरह दोस्तों, सकारात्मक और सहयोगात्मक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करेगा दोस्तों, तो आपका अभिप्रेरणा करेगा, संवेग भी करेगा, सामाजिक संदर्भ भी करेगा दोस्तों, शिक्षण शास्त्रीय उपागम भी करेगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन आपका 1, 2, 3, 4 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास के किस क्षेत्र के संबंध में बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्वनि, स्मृति और समस्या समाधान कल्पना और रचना करने से है दोस्तों, ये हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र दोस्तों। क्या होगा, अंग्रेजी में देखिए कॉग्निटिव डोमेन हो जाएगा दोस्तों। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे ध्यान, स्मृति और समस्या और समाधान कल्पना और रचना करने से है दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइंस की दुविधा पर बच्चे की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कॉल्बर ने किस विकास के विभिन्न अवस्थाओं प्रतिपादित किया दोस्तों, ये आपका नैतिक विकास होगा। किस पे होगा दोस्तों, नैतिक विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, विद्यार्थियों को अध्ययन की सक्रिय भूमिका निभाते हैं दोस्तों। प्रगतिशील में कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिछले वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए दोस्तों, उनमें अपनेपन की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुणज विकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र की चुनौती महसूस करते हैं दोस्तों, गणित क्षेत्र के। गुणज विकल्प से जो जूझता है किस क्षेत्र का चुनौती महसूस करता है साथियों, तो गुणज का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों को समावेशन में बाधक बन जाते हैं दोस्तों, लिखित परीक्षाएं। क्या होगा, लिखित परीक्षाएं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं साथियों हम लोग। निम्न में से कौन सा गुण प्राय शौलीनता को ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है दोस्तों, तो पुनरावृत्ति व्यवहार दोस्तों। क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा गुण प्राय शौलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है, तो पुनरावृत्ति व्यवहार दोस्तों। इसे हम लोग रिपीटेटिव हाई क्यूमुलेटिव क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर बोलते हैं उसे हम लोग। क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुँच की हर किताब पढ़ दी। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है दोस्तों, ये प्रतिभाशाली विशेषता दिखा रही है। किस तरह दोस्तों, प्रतिभाशाली। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की तरह हर किताबें पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रहे हैं साथियों, प्रतिभाशाली दोस्तों। बच्चे सबसे बेहतर डैश द्वारा सीखते हैं दोस्तों, तो खोजी अधिगम के द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं, तो खोजी अधिगम के द्वारा दोस्तों, गाइडेंस डिस्कवरी के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए, सही बात है दोस्तों।
स्मृति ना तो रचनात्मक होता है ना ही निर्मात्मक, गलत है दोस्तों आपका, दोनों गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों केवल केवल देखते ही आपका थी, अब ई और आर दोनों गलत है साथियों। एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनने, अधिगम क्रियाकलाप बनने और संपादित करने चाहिए दोस्तों, तो जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप होते हैं। क्या होगा, जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप हों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संकल्पना संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों कार्य की सत्यता और अधिकतम पर अधिकतम कर देना चाहिए, कार्य की सत्यता से अधिकतम कर देना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है उसे डैश कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, अनुक्रिया ये नहीं हो अनुगामी अनुमानी सोच कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुगामी अनुमानी सोच। फिर से देखिए, एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है उसे अनुमानी सोच कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों ज्ञान को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों और ज्ञान को दर्शाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिगम क्या है दोस्तों, अधिगम संवेग के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, अधिगम जो है दोस्तों संवेगों के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की संपत्ति की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए दोस्तों, सही बात है दोस्तों। अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो सकी तो, तब दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर की व्याख्या ये सही व्याख्या करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन सक जाता है दोस्तों, तो बाधक जो बनता है कठोर अनम्य पाठ्यक्रम दोस्तों, स्वविपरीत अभ्यास होता है दोस्तों, पॉजिटिव है। वातावरण स्वाभाविक सहज परिपक्व ये भी पॉजिटिव है दोस्तों, जानने और खोज करने भी पॉजिटिव है दोस्तों। अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को अवगत होना क्या कहलाता है दोस्तों, ये आपका परिसंज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, मेटाकॉग्निशन कहलाता है दोस्तों। अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है, परिसंज्ञान दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, ये दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करते हैं, उनका सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम की विविध मौके मुहैया कराना चाहिए दोस्तों, सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है दोस्तों, आपका दोनों सही है दोस्तों, और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करा एक ही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संगतों आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सही बात है दोस्तों। संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं दोस्तों, ये और आर दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। सीखने की गति डैश होती है दोस्तों, सीखने की गति व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों परस्परिक क्रिया पर निर्भर होता है, सीखने की गति क्या होती है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों में परस्परिक क्रिया पर निर्भर होते हैं दोस्तों। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को परवलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है दोस्तों, ये केवल वातावरण से प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, वातावरण से दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण और परवलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है, केवल वातावरण से दोस्तों, लेकिन गलत लग रहा है दोस्तों, होना चाहिए अनुवांशिकता और वातावरण दोनों दोस्तों, लेकिन यहाँ तीन आंसर दिया गया था, तीन ही याद रख दिमाग लगाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल होता है दोस्तों, संवेदनशील करता है। बाल्यावस्था के शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए डैश काल होता है, संवेदनशील होता है दोस्तों, सेंसिटिव पीरियड होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सी कथन सही नहीं है दोस्तों, विकास हमेशा और निरंतर होती है दोस्तों, विकास कैसी होती है, हमेशा और निरंतर चलती है दोस्तों। बच्चे अलग अलग दर और गति का विकसित करते हैं, विकास क्रमिक रूप से होता है, विकास अपेक्षा से व्यवस्थित होता है दोस्तों। चलिए कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है दोस्तों, आँखों का रंग। कौन सा केवल वंशानुगत कारकों को निर्धारित होता है, तो आँखों का रंग दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में सक्रियाओं को एक दशकीय तार्किक क्रम को सोचना शुरू कर देते हैं दोस्तों,
तो मूर्त संक्रियात्मक होते हैं, क्या होते हैं मूर्ख। जैसे देखिए जिन प्याजे के संज्ञाता विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू करते हैं तो मूर्त संख्या में 7 से 11 वर्ष के एज में दोस्तों। और समेरी गामा दोस्तों 0 से 2 वर्ष होता है ये, और पूर्व संक्रिया अवस्था दोस्तों 2 से 6 वर्ष के बीच होता है। औपचारिक दोस्तों आपका हो जाएगा 11+ से दोस्तों 11 से 15 के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं उसे दोस्तों। जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण में अनुकूलन प्रक्रिया में क्या शामिल होता है दोस्तों, तो समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है। क्या होता है समावेशन और समायोजन दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन पूरा कर दिया गया दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके फायदे के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, और नहीं कीजिएगा तो मत किया कीजिए दोस्तों। और हम इससे बेसी क्या कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको जैसी मर्जी है कीजिए, आपकी जैसी मर्जी दोस्तों।